सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत सिल्वी कल्चर ऑफ ट्रीज के नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। इसमें हम लोग डिप्टेरोकार्पस इंडिकस, देन डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस और डिप्टेरोकार्पस टर्बिनाटस को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, तीनों के तीनों ही किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? डिप्टेरोकार्पस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको केवल एक ट्री के बारे में भी इन्फॉर्मेशन पता है, तो बाकी दोनों ट्री के बारे में आप आराम से लिख लेंगे, उसका सिल्वी कल्चरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। बस आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि उनके कॉमन नेम क्या है बाकी दोनों ट्रीज के, और बाकी सब चीज़ें लगभग सिमिलर ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे डिप्टेरोकार्पस इंडिकस। देखिए, डिप्टेरोकार्पस इंडिकस का कॉमन नेम क्या है? गुर्जन। ठीक है, फैमिली इज डिप्टेरोकार्पसी। और डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट कहाँ मिलेगा आपको? रेनफॉल इज 100 to 150 सेंटीमीटर। ये मुख्य तौर पर आपको मिलेगा नदर्न इंडिया के अंतर्गत या हिली रीजन में। ठीक है, वेल न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपरली ड्रेन्ड सॉइल इज देयर, एंड 20 to 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट इज योर फिजियोग्नॉमी एंड फिनोलॉजी। एवरग्रीन ट्री है। फ्लावरिंग कब करेगा? दिसंबर जनवरी के टाइम पर, और सीड राइपनिंग इसकी अक्सर मई के आसपास होती है। सिल्वी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइट डिमांडर, फायर टेंडर एंड कोपाइसिंग इज पुअर। रीजनरेशन सीडलिंग के थ्रू हो जाएगा, नेचुरल रीजनरेशन, आर्टिफिशियल सोइंग एंड प्लांटिंग। यूसेजेस प्लाईवुड, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग। तो ये जो यूसेज है, ये आप सिमिलर यूसेज बाकी तीनों जो डिप्टेरोकार्पस के प्लांट्स हैं, जो उसके ट्रीज हैं दूसरे वाले, उसमें भी यही वाली चीजें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ज्यादा होगी नहीं। डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस, ये सेकेंड टाइप है आपका, सेकेंड ट्री है। इसका कॉमन नेम क्या है? होलोंग। पहला कौन सा था? डिप्टेरोकार्पस इंडिकस, जिसका कॉमन नेम था गुर्जर, ये है होलोंग। देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट इज रेनफॉल 100 to 150 सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल क्या चाहिए आपको? सैंडी अलुवियम, और टेम्परेचर इज अराउंड 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। देन फिजियोग्नॉमी की बात करें, एवरग्रीन ट्री है। फ्लावरिंग कब होती है? जून से नवंबर के टाइम पर। सीड राइपनिंग होती है आपकी जनवरी से मार्च। सिल्वी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, शेड बियरर अर्लियर टाइम्स में होता है, लेकिन जैसे लेटर स्टेज में पहुंचता है तो ये लाइट डिमांडर बन जाता है। फ्रॉस्ट टेंडर है, कोपाइसिस वेल। नेक्स्ट इज योर रीजनरेशन, नेचुरल सीड के थ्रू होगा, आर्टिफिशियल सोइंग एंड प्लांटिंग के थ्रू। यूसेज में वही सब चीजें हैं, ज्यादा कुछ और है नहीं इसमें। द नेक्स्ट इज योर डिप्टेरोकार्पस टर्बिनाटस। फैमिली इज योर डिप्टेरोकार्पसी। डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट की बात करें तो रेनफॉल थोड़ा सा कम है, लेकिन उतना ही है, 100 से 150 सेंटीमीटर जो पहले दो थे। सॉइल इज सैंडी एंड अलुवियम। टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। फिजियोग्नॉमी में एवरग्रीन ट्री है। फ्लावरिंग अप्रैल मई के महीने के आसपास होती है, और सीड राइपनिंग भी मई जून के आसपास हो जाती है। सिल्वी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट डिमांडर, फ्रॉस्ट सेंसिटिव एंड कोपाइसेस वेल। एंड रीजनरेशन सीड के थ्रू होता है या सीडलिंग के थ्रू, एंड सोइंग एंड प्लांटिंग, आर्टिफिशियल रीजनरेशन। एंड यूसेजेस अगेन योर कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, बिल्डिंग वर्क एटसेट्रा। तो ये थे आपके आज के तीन ट्रीज। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के ट्रीज को देखेंगे। थैंक यू।